उत्तर प्रदेश के बरेली पुलिस लाइन में चित्रकूट आरक्षी सम्मान के तहत एडीजी राजकुमार ने थाने चौकियों में तैनाती से पूर्व परेड कराई। एडीजी ने चित्रकूट महिला आरक्षी कार्यक्रम के दौरान एडीजी ने की तारीफ, थाने चौकी में तैनाती से पूर्व कराई महिला पुलिसकर्मियों की परेड। एसएसपी ने भी महिला आरक्षियों के कार्यों की प्रशंसा की। चित्रकूट आरक्षी कार्यक्रम के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की पहले परेड कराई गई। इसके पश्चात एडीजी राजकुमार ने महिला आरक्षियों को सम्मानित कर उनको शील्ड वितरित की। एसएसपी रोहित सिंह सजवार ने महिला आरक्षियों के सम्मान के साथ साथ महिलाओं पर उत्पीड़न के विशेष सक्रियता बनाए रखने को कहा। आपने नुमाइंदा प्रस्तुत किया यहाँ पर, चाहे वो मार्चिंग हो, चाहे वो तालमेल हो, या वर्ड ऑफ कमांड परेड कमांडर का हो, सभी उत्कृष्ट कोटि का था। अभी सुबह 9 बजे मैं 8वीं बटालियन पीएसी का पुरुष आरक्षी का एक दीक्षांत परेड समारोह अटेंड करके आया हूँ, और यह परेड जो महिला रिक्रूट आरक्षियों ने प्रस्तुत किया है, यह हर महीने में उस परेड से बेहतर था। मैं आप सभी आरक्षी, रिक्रूट आरक्षी जो करीब 150 की संख्या में हैं, उनका यूपी पुलिस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के बाद आप यूपी पुलिस के अभिन्न अंग हो गए हैं। यूपी पुलिस जो भारत का सबसे बड़ा पुलिस बल है और सबसे उत्कृष्ट पुलिस बल है। यूपी पुलिस की ख्याति पूरे राष्ट्र में है, तो आप सभी को गर्व होना चाहिए कि आप एक इतने बड़े और इतने उत्कृष्ट पुलिस बल के सदस्य होने जा रहे हैं। अभी वक्ता ने बताया था कि कल्पना सक्सेना का नाम लिया महिलाओं में, तो अगर हम नाम लेने जाएं तो बहुत सारे महिलाओं का अपने अपने फील्ड में अग्रणी पे रही हैं, लेकिन मैं एक खाली में पुलिस बल में जो महिलाओं ने जो कार्य किया है उसमें खाली एक ही उदाहरण दूंगा मैं, जो कि साबित करता है कि पुलिस ने महिलाएं किसी भी तरह से पुरुष के कमतर नहीं। सिविलियन अवार्ड मतलब पीस टाइम में सबसे बड़ा जो भारत में अवार्ड दिया जाता है वो है अशोक चक्र, और अशोक चक्र सिर्फ एक पुलिस बल की महिला को मिला है। वो सिर्फ एक पुलिस बल के कर्मचारी को मिला है, और वो महिला है, हेड कांस्टेबल कमलेश कुमारी, सीआरपीएफ की थी, जो शहीद हो गई पार्लियामेंट अटैक की सुरक्षा में। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।